उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर देहरादून पुलिस लाइन में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, देहरादून पुलिस लाइन में कार्यक्रम बेहद ही भव्य तरीके से आयोजित किया गया है। ये झलक हम आपको सीधे प्रसारण की दिखा रहे हैं, जहाँ राज्य स्थापना दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वही राज्य स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश सरकार की तरफ से विकास कार्यों को गिनाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के विकास के लिए गंभीर है और राज्य के विकास के लिए कई योजनाओं को संचालित भी किया जा रहा है, तो वहीं प्रदेश में रोजगार को बढ़ावे देने के लिए भी धामी सरकार लगातार काम कर रही है और रोजगार को बढ़ावा देने को लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार के कई काम गिनाए हैं। वही राज्य स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शहीद स्थल पहुंचे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आंदोलनकारी जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आंदोलनकारियों के संघर्ष के बाद ही हमें उत्तराखंड राज्य मिला है और आंदोलनकारियों के जो सपने थे उनको पूरा करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है और 2025 तक उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाया जाएगा। आज हमारे राज्य स्थापना के 22 साल पूरे हो गए हैं और 22 सालों में लगातार उत्तराखंड आगे बढ़ा है और इन हमारे शहीदों के शहादत के कारण से, आंदोलनकारियों के आंदोलन के कारण से, मातृशक्ति के संघर्षों के बल पर हमारा राज्य बना। मैं आज उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर सभी शहीदों को, सभी आंदोलनकारियों को, मातृशक्ति को नमन करता हूँ और यह भी संकल्प लेता हूं कि हमने वो संघर्ष देखा है, उस समय की वो पीड़ा देखी है जब आंदोलन चल रहा था राज्य प्राप्ति का। हमारे जो शहीद हैं, हमारे आंदोलनकारी हैं, हमारी मातृशक्ति है, उनके जो सपने हैं जो उस समय उन्होंने देखे थे, उन सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं, हम उस दिशा में काम करेंगे। यही मैं आज के अवसर पर अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ, उनको नमन करता हूँ कि हम हर वर्ष उनका स्मरण इसीलिए करते हैं कि हमें उनके सपने हमेशा याद रहें। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। बीजेपी कार्यालय में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस की प्रदर्शनी का शुभारंभ किया है और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को भी राज्य स्थापना दिवस की बधाई दी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आंदोलनकारियों के हर सपनों को पूरा कर रही है और लगातार आंदोलनकारियों के सपनों को पूरा करने का प्रयास भी लगातार जारी है। सबसे पहले तो मैं पूरे प्रदेशवासियों को और उत्तराखंड से बाहर जो प्रवासी उत्तराखंडी भाई हैं, भाई बहन हैं, उन सभी को राज्य स्थापना दिवस की मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। एक पर्व के रूप में राज्य स्थापना दिवस को मनाया जाता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में ही अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आज से ठीक 22 वर्ष पूर्व इस राज्य की स्थापना की थी, उनके कालखंड में ही राज्य बना था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस राज्य को आगे ले जा सकती है। आज यहाँ पर प्रदर्शनी का विशेष रूप से यहाँ पर आयोजन किया गया है, उसका उद्घाटन अभी हम लोगों के द्वारा होना है। हम आज के इस दिन पर समस्त भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे सभी लोग, हम यह भी संकल्प लेते हैं कि उत्तराखंड राज्य जिन सपनों को लेकर, जिस निर्माण के लिए आगे बढ़ा था, उन सपनों को पूरा करने के लिए हम लोग लगातार काम करेंगे। देखिए, उत्तराखंड राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर मैं सबसे पहले देश के सभी, अपने प्रदेश के नागरिकों को बहुत हृदय से बधाई देता हूँ। जो शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। आज हम सबके लिए उत्साह का दिन है। लंबे संघर्ष के बाद राज्य मिला, अटल बिहारी वाजपेयी ने राज्य दिया, मोदी जी संवार रहे हैं। इस भाव को लेकर आज पूरे प्रदेश के अंदर हमने शहीदों के सम्मान का कार्यक्रम तय किए हैं। हमारे 252 मंडलों में आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा विचार गोष्ठी और शहीदों के सम्मान का कार्यक्रम है। आज कार्यालय में प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ और अभी सभी मंडलों के अंदर हमारे कार्यक्रम होंगे।